बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद नादरा की तरफ से आप सबको खुश आमदीद है और अल्लाह ताला से रहमत और बरकत की बहुत सारी दुआएं। आज की वीडियो एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई है। अल्लाह ही के दिए हुए माल में से अल्लाह ही के प्यारे बंदों को खाना खिलाने का हमने कुछ अहतमाम किया है, जिसके लिए चिकन बिरयानी की तैयारी की गई है। मेरी बहुत प्यारी सी बहन, मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर की तरफ से इस खाने का इंतज़ाम किया गया है। आइए मेरे साथ, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और खूब इंजॉय कीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 10 किलो गोश्त और 10 किलो चावल की हम बिरयानी तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए मैंने तमाम लवाजमात जो है वो तैयार करके रखे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे काम हो जाएं और हम टाइम पे जो है वो सबको खाना खिला दें। तमाम स्टेप्स कम्प्लीट कर लिए हैं। ये देखें, यखनी भी तैयार हो रही है, बहुत अच्छी सी ये यखनी जो है तैयार है। बस सिर्फ चावल इसमें डालने हैं, हमने भीगे रखे हुए 2 घंटे से। चावल इसमें डालेंगे इंशाल्लाह दम देके, और सही वक्त पे इंशाल्लाह दोपहर के खाने की ये जो है वो तैयारी हो जाएगी। ये देखें, चावल जो है हमारी बिरयानी बहुत मज़ेदार सी दम के लिए तैयार है। बस ये दम आ जाएगा इंशाल्लाह तो हम अपने मेहमानों को खाना खिलाएँगे। ये हमने हलवा भी तैयार किया है सूजी का, बहुत मज़े का हलवा है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत लजीज हलवा है ये भी माशाल्लाह। यायदा भी जो है वो नहा के तैयार हो चुकी है मेहमानों को वेलकम करने के लिए। इनको भी बहुत बेताबी से इंतज़ार है कि कब हमारे घर में मेहमान आना शुरू होंगे। और ये इनके सारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, इनकी कज़न्स जो हैं वो भी इनके साथ जो है वो बैठी हैं। उनको भी बहुत शौक़ है कि सबके साथ हम भी जो है आज सबके साथ मिल के खाना खाएँगे इस तरीके से। और ये देखें, मेरे नन्हे मुन्ने से मेहमान जो है वो आना शुरू हो गए, और उनको मैंने बहुत तरीक़े से मैंने इन्हें बिठाया है। अब ये जो है मज़ेदार सी बिरयानी का वेट कर रहे हैं। अब ये कि कुछ बच्चे और ये सब लोग आ रहे हैं, हमारे मेहमान ये आ जाएं सारे, तो हम इनको बिठाएंगे, इनको खाना खिलाएंगे। ठंडा पानी का भी मैंने इंतज़ाम किया है, ताकि बच्चे जो है वो आराम से ठंडा पानी भी है। प्लेट्स वगैरह सबको अरेंज करके दिए। बच्चे ये जग में झांक रहे हैं, बर्फ़ ढूंढ रहे हैं, इसमें बर्फ़ है। और मैंने खूब अच्छा सा ठंडा पानी रखा है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, मौसम बदल गया है। ये देखें, ये सब माशाल्लाह लोग आके खाना के लिए बैठ रहे हैं। ये देखें, गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो आना शुरू हो चुकी है। और मेरे मिस्टर होम मिनिस्टर जो है वो माशाल्लाह भरपूर उनकी सपोर्ट और उनके हेल्प के साथ ही सारे काम चल रहे हैं। ये देखें, मेरे शौहर साहब जो है वो गर्मा गर्म बिरयानी वहाँ से निकाल के, ये हमारे बेटे साहब हैं सैयद मोहम्मद बिलाल, ये सब लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह अपने फ्रेंड्स के साथ ये मिल के सबको खिला रहे हैं माशाल्लाह से। और ये बच्चे जो हैं, मैंने इसीलिए थाल साथ रख दिए थे और कोई इन पे प्रेशर नहीं था। बच्चे अपने भूख के हिसाब से इजीली जितना उन्हें खाना है अच्छे तरीके से निकालें, कोई इसमें मैं साथ खड़ी नहीं हुई, ताकि जो है बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चे क्योंकि शर्मीले होते हैं, बस आराम से पेट भर के अच्छे तरीके से खाएँ, हमारी यही विश थी। तो बस इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से भरपूर खा लें, फिर इंशाल्लाह शिफ्ट बदलती रहेंगी, खाते रहेंगे, अल्लाह ताला नेकी के इस काम को आगे फैलाएँ बस।
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत और ताकत अता फरमाई कि हम इस तरीक़े से ये छोटे छोटे नेकी के काम करते रहें। और मेरी प्यारी सी बहन जिनके वसीले से ये काम हो रहा है, अल्लाह ताला ने भी बहुत जजाय खैर दे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ये नेकी के काम करते रहें। और इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम हम ऐसे करते रहें सिलसिले कि हम लोगों को खाना खिलाएं और भी जो हमसे हो सके हम नेकी के काम करते रहें। ये देखें सब बच्चों के साथ साथ आयदा और उनकी कज़न्स भी खाना खा रही हैं और ये उनका बहुत शौक़ था कि हम भी सबके साथ खाना खाएंगे, तो हमें भी इस बात की खुशी हुई कि बच्चे जो हैं वो मिलके खाना खाएं सबके साथ। बहुत अच्छी बात है, ये किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है होना चाहिए, अल्लाह ताला के बनाए हुए सब इंसान बराबर हैं और इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है। बस शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने ऐसा हमें मौका दिया। चिकन बिरयानी बनी भी बहुत मज़े की, बहुत लजीज चिकन बिरयानी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी, और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी माशाल्लाह, सब ने भरपूर खाया था, बहुत अच्छे तरीके से सब ने खाया। और नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नादरा को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आता रहे और आप फ्री में मेरी वीडियोस को देखें। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी खाने में, बहुत लोग माशाल्लाह फैज़याब हुए। और ये देखें, ये है मेरे प्यारे से बेटे मोहम्मद बिलाल, सैयद मोहम्मद बिलाल, अब ये थक चुके हैं खूब, इन्होंने भी हेल्प करवाई है, फ्रेंड्स को ढूंढ ढूंढ के लोगों को लेकर आएँ, मज़दूरों को लेकर आएँ, जो ज़रूरतमंद थे सबको ये लेकर आएँ कि हमारे घर पर खाना खाइए। अब ये थक गए और अब ये जो है वो खूब बिरयानी से जो है वो इंसाफ कर रहे हैं, तो बस अब जो है वो काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह खाना खा के जा चुके हैं, शुक्र है खुदा का। अब जो बाकी बिरयानी थी, मेरा पूरा इरादा यही था कि इंशाल्लाह हमें तमाम बिरयानी को हम जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, तो अब जो ये बाकी रह गई है इसको हमने ये सोचा है कि हम ये इस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे और अपने दूसरे लोगों को जो है वह मेहमान बनाएंगे अपने खाने में, तो ये बिरयानी मैं इंशाल्लाह लोगों में मैं तकसीम करके आ जाऊँगी, लोगों को खाने में मेहमान बनाऊँगी अपने साथ। बस अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हमारे साथ रहे और अल्लाह ताला हमारे ये नेकी के कामों को कबूल फरमाए। माशाल्लाह हमारे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम इंतज़ाम को संभाला है और उन्हीं की हेल्प के बग़ैर जो है वो कुछ भी मुमकिन नहीं है,
ये सारे पार्सल जो हैं वो तैयार होते जा रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इन्हें लेकर जाएंगे और जाके अपने मेहमानों को हम ये तकसीम कर देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये सारे पार्सल जो हैं वो हमने रेडी कर लिए, बस ये पैक करते जाएंगे। बिलाल और हमारे बाकी बच्चे जो हैं ये पैक करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और बस हम फिर जाते हैं, हम ये तकसीम करके आ जाते हैं। बस ये हमारे घर से आगे जो है वो 10 मिनट की ड्राइव पे कॉलोनी है। अम्मा जाके बस मैंने ये बच्चों में ये खाना तकसीम कर दिया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र और एहसान है, और अल्लाह ताला उन सबको जजाए खैर दे जिन्होंने ये तमाम इंतज़ाम करवाया और हमारे हाथों ये एक नेकी का काम करवाया। तो इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन हम ये इस तरीके से करते रहेंगे। बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं सबके, और ये बच्चे बहुत खुश होकर जो है ये बॉक्सेस लेकर गए, और इंशाल्लाह ताला मैं इनसे वादा करके आई हूँ कि बहुत जल्द दोबारा से मैं आऊँगी, और बाकायदा तौर पे भरपूर जो है हम इंशाल्लाह फिर जो है कुछ अच्छा सा जो है इनको खिलाकर जाएंगे यकीनन इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की नज़र जो है वो हम पर रहे, नज़र करम हम पर रहे, तो ये कार्य खैर हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और बहुत मुझे इस वक्त अच्छा लगा था इस तरीक़े से खाना तकसीम करके, बहुत मुझे मेरे दिल को भी बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि काम बहुत बखूबी जो है ये निमट गया, बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम पार्सल जो हैं वो तकसीम हो गए, हम बहुत खुश हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, मुझे यकीन है आज की अच्छी सी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ भी किसी किस्म की तशहीर नहीं है, किसी किस्म का दिखावा नहीं है, ये वीडियो हमने नेक मकसद के लिए बनाई है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल कुकिंग विद नादरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आता रहे। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि बहुत से लोग फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह फिर अच्छी सी रेसिपीज़ अच्छी सी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।